अलहमदिल्ल वसलात वसला रसोल्हाबानातिनिया हसनत व आख़रत हसनत वक़ीन ज़ाबानार वखल जन्नत वबरार्मा नबी क्लूब नब नूरक़र वखलाक़ नबी ज़ीनतमर मोहतरम मकरम सामिन हज़रा अल्ला रबुल्ज़त ने इस माह मुबारक को हमारे लिए बरकत का ज़रिया मगफ़रत का ज़रिया जहन्नम से छुटकारी छुटकारा उसका ज़रिया बनाया है मेरे मोहतरम भाई और बुज़ुर्गों दोस्तों आपको मालूम है अल्लाह इज़्ज़त ने दो चीज़ें रखी हैं एक वादा और दूसरा वईद अगर आप ये करेंगे तो आपको क्या मिलेगा अगर ये आप करेंगे और फिर उसका उसके साथ इखलास नीत ना हो तो उस पर आपको क्या पकड़ हो सकती है तो बात करते हैं इसी हवाले से विद द इंटेंशन नीत के हवाले से गुना से बचने के हवाले से माह मुबारक की और तरावे की जो रात में हम क़याम करते हैं रात को जागते हैं उसके हवाले से बात करते हैं प्यारे नबी का मुबारक इर्शाद है बहुत सारे रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको भूखा रहने के सिवा कुछ नहीं मिलता यानी बजुज भूखे भूख के कुछ नहीं मिलता है और बहुत सारे शेबादार ऐसे हैं जिनको जागने की मशक्क़त से के सिवा कुछ नहीं मिलता चार नबी ने दो चीज़ों को बयान फरमाया एक दिन का भूखा रहना बस सिर्फ ये उनको मिलता कि वो दिन को भूखा रहे फाका कशी की और दूसरा रात को जागे और उनको जागने की मशक्कत के सिवा कुछ नहीं मिला आगे इस हदीस की तफसील तफसी के राम लिखते हैं पहला जो तबका है जो दिन को भूखा रहता है रोज़ा रखता है बजुज लेकिन उनको रोजे का सवाब नहीं मिलता है तो पहली बात जो उलमाई किराम ने लिखी है अगर कोई रोज़ा रखता है रोज़ा का मकसद है तकवा और तकवा के लिए तकवा वाले काम अगर इंसान तकवे वाला काम नहीं करता है अगर ये उन कामों के अंदर मशगूल रहता है जिन कामों को मना किया गया मसलन गैब करना मसलन ऐसा ऐसे तरीके ऐसे जराए से माल कमाना जो हराम जराए हैं एक आदमी है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है मुलाजिम है दिन को रिश्वत खोरी आ, करता है और शाम को उसी उसी रिश्वत के पैसे से अनाज लेके घर लाता है ख़ुद भी इफ्तियार करता है और बाकियों को भी करवाता है अब जो इसको ये गुना है रिश्वत की लेने की वजह से और रिश्वत लेने की वजह से हराम माल से जो इसने चीज़ें ख़रीदी उससे इफ्तियार किया तो इसका रोजा कबूल नहीं होगा बल्कि उल्टी पकड़ होगी क्योंकि इसको दिन को जो करना था वो नहीं किया इसने काम करना था अल्लाह इज़्ज़त की रजा के लिए और जो मुआवजा इसको मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से उस मुआवजे के मुतबादल में काम करना था क्योंकि वो काम ये नहीं करता है तो क्या होगा जब ये माल खरीदता है घर में लाता है इखतीारी करता है तो ना रोज़ा ही कबूल होता है और साथ में अपने घर वालों का रोजा भी खराब कर देता है एक तबका और दूसरी राय राया कराम यूँ लिखते हैं कि ये दिन को जिन कामों से इसको बचना था बद एमाल कामों से बचना था उनसे नहीं बचता है जैसे कि झूठ बोलता है गुनाहों के कामे कामों में मुबतला होता है तो जो भी गुनाहों के कामों में मुबतला होता है जो तकवा को छोड़ के जो काम हैं उन उन कामों में दिन को अपन अपने आप को मसरूफ रखता है तो उसका रोज़ा भी कबूल नहीं होता अल्लाह रबुल इज़त हमें इस कैटेगरी से बचावे उसके बाद दूसरा जो है हदीस पाक का दूसरा हिस्सा है कि रात को जागने के सिवा कुछ नहीं मिलता है अब एक आदमी है रात को मुसल्ब खड़ा अल्लाह के सामने नमाज पढ़ता है तिलावत करता है लेकिन अंदर से खराबी है रूहानी खराबी है इखलास के साथ नहीं करता है रियाकारी करता है लोगों को दिखाने के लिए करता है लोगों को खुश करने के लिए करता है या शब्बेदारी के दौरान ये गैबत करता है वही काम करता है जो इसने नहीं करने चाहिए थे तो इस वजह से इसका ये रात को जागना सिर्फ़ जागना लिख दिया जाता है बल्कि इसके बदले में इसको जो सवाब मिलना चाहे था वो नहीं मिल रहा है नहीं तो रात को जागने वाली जो नमाज़ें होती हैं तहजद होता है या फजर की नमाज होती है ईशा की नमाज होती है रात की इनकी बड़ी फजीलत है जैसे हदीस पाक में आया है एक आदमी अगर इशा की नमाज बाजमात पढ़ता है और फजर की नमाज भी बाज़मात पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके नाम अमाल में लिख देते हैं कि जैसे कि इसने पूरी रात शबारी की तो इसलिए अपने रोज़े को बचाने के लिए हमें तकवा वाले काम करने हमें रात की तरावी को और फजर की नमाज को तहजद की नमाज को बचाने के लिए इसमें इखलास वाली नीत इखलास वाली नीत इसको पैदा करना है इसके लिए कोशिश करनी है जदोजहद करनी है बार बार अपनी नेत को टटोलना है वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट आवर इंटेंशन वाई वी आर डूइंग दिस डीट मैं ये काम क्यों करता हूँ वाई आई एम कीपिंग फास्ट मैं रोज़ा क्यों रखता हूँ वाई आई एम स्टैंडिंग इन तरावी मैं तरावी क्यों पढ़ता हूँ वाई आई एम स्टैंडिंग इन तहाजुद मैं तहजुद क्यों पढ़ता हूँ इट्स ऑल बिकॉज टू प्लीज आलमाई टी अल्लाह अपने रब को राजी करने के लिए सारा करता हूँ आई एम नॉट गोइंग टू प्लीज द्रिएशन ऑफ आलमाई टी बट आई टू प्लीज द्रिएटर तो मैं अल्लाह को राजी करने के लिए सारा करता हूँ, न कि इंसान को मखलूक को राजी करने के लिए करता हूँ तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रबुल्जत हमें ऐसा रोजा रखने की तोहफी कता फरमाए और ऐसा क्याम करने की तोहफी अतः फरमाए जिसमें खालिसतन अल्लाह की रज़ा हो जिसमें हमारी हिदायत छुपी हो आमीन या رب العالمین واخره الدول الحمد لله رب